कार्बन को दिया, कार्बन को दिया, सल्फर को दिया, किसी और एटम को दिया, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है हमारा बेस। तो इन बी और सी में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा जो स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, है ना, बी। अब उसके बनने की एक्टिवेशन जी क्या है उससे कोई मतलब नहीं, समझे आप। यहाँ प्रोडक्ट देखते हैं और यहाँ क्या देखते हैं अपन, तो हम लोग लिविंग ग्रुप के बैक साइड अटैक करते हैं, 180 पे अटैक करते हैं लिविंग ग्रुप के, बोले प्रोटीन होना चाहिए ना। सपोज करो वाटर है ना, अगर वाटर है तो वो उसको हाइड्रेट कर सॉल्वेट कर देगा ना, एक दूसरे से, है ना, कि यार इसका आंसर ये होगा ये होगा, उस पर डिबेट होती है एक एक क्वेश्चन पे। फिर जो मतलब इजी वाला है उनको छोड़ दो, मेनली जो क्वेश्चन 50% पेपर 25% पेपर मान लो, फिर डिस्कशन होता है इसका ये होना चाहिए, फिर गूगल पे देखा जाता है, बुक्स पे देखा जाता है, डिफरेंट सोर्सेज में देखा जाता है, फिर उसका आंसर फाइनल किया जाता है कि इसका ये आंसर है, समझ रहे हो तुम। तो तुम जो स्क्रीन पे कोई टीचर बता रहा है ना, उससे गलतफहमी है कि वो देख देख के बता रहा है ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वो 3-4 बार कर चुका है उसको, इतना चैलेंजिंग पेपर होता है ना, आसान नहीं, वो पढ़ रहा है बना रहा है ऐसे बना रहा है, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर है ना अच्छा खासा टफ होता है, तो तुम गलतफहमी मत रहना कि स्क्रीन पे देख लिया कि हो गया सब सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं कितने घंटे में बता दिया, तुम्हें हकीकत बता दी, परसों के पेपर का डिस्कशन कल दोपहर तक चल रहा था, मतलब 20 घंटे उस पेपर का डिस्कशन हुआ, तब जाके अब आज सबके आंसर आने लगेंगे, एक कोई हिम्मत करके बोलेगा पीछे सब बोलने लगेंगे, फिर बात समझे तुम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कल मैं डीएस सर से बात कर रहा था, मैं क्या डीएस सर यार आईआईटी ना हर साल एक स्टेप आगे रहता है यार, तो मेरे एकदम से दिमाग में एकदम से तुम्हारी याद आई मुझे, ठीक है, मैंने कहा बच्चे ये समझते हैं कि कोर्स ख़त्म कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया और आईआईटी हो गई, मैं यार ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं है, सही नहीं है ये तो, कोर्स ख़त्म तो इसको खाने से रिलेट किया, आज सुबह मैंने सोचा खाने से रिलेट करते हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो जैसे खाना खाने के बाद खाना खाने का मतलब ये थोड़ी कि हमारी बॉडी को इतना न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स बन गए, खाना पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है तो डाइजेस्ट होना चाहिए मोस्ट, है ना, पहले तो जाना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर वो डाइजेस्ट होना चाहिए, डाइजेस्ट होने के बाद खाने का मतलब जूस बनता है पूरा, और वो जो जूस होता है वो फिर सेल्स में जाता है, फिर सेल्स को मिलता है तो हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं, ये पूरा प्रोसेस है। तो एग्जैक्टली तुम्हारे साथ वैसे ही हो रहा है, जैसे कोर्स ख़त्म हुआ मतलब तुमने खाना खा लिया, अब तुमने रिवाइज किया मतलब थोड़ा डाइजेशन हो गया उसका, तुमने और मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, मतलब इधर उधर के सब मिक्स्ड वाले, बहुत सारे मतलब नहीं एक ही टॉपिक के लगाए जा रहे हो, तो मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाए, अलग इंटीजर लगाए, मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन लगाए, पैसेज टाइप के क्वेश्चन लगाए, इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे उसका जूस बनना स्टार्ट हो गया है। तो डी एस सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर आत्मसार होना चाहिए, पूरा जो पढ़ा है ना उसका एक सार होना चाहिए, और वो सार कब आता है, जब अपन कोर्स ख़त्म करने के बाद करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, समझ गए। तो तुम सही ट्रैक पे हो, करते रहना है करते रहना है करते, इधर उधर की बातें नहीं सुननी, कोई कह रहा है इतने मार्क्स आ रहे हैं उतने आ रहे हैं उसमें ये हो गया उसमें, सब फालतू बातें हैं, एक ही बात सही है, तुमको करते रहना है, सब सही हो जाएगा, समझ गए भाई। कभी ज़्यादा कर पाओगे कभी कम कर पाओगे, वो होता है ना कि वो कि इफ़ यू कैनॉट रन वॉक, इफ़ यू कैनॉट वॉक क्रॉल, समझे आप, कि दौड़ नहीं सकते तो चलो और चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन करते रहो, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ गए। इसी बात पे आज का हेडिंग लगाओ, और किसी सब्जेक्ट में कम आए तो ठीक है आएंगे यार, पाथ है। अच्छा एक बात तक्सु के लिए थैंक यू बोल दो, तक्सु है ना ये पेप्सी लेके मेरे को अभी गिफ्ट दे रहा था पेप्सी, तक्सु कहाँ गया, तक्सु यार थैंक यू फॉर पेप्सी, तुम लोग पीना चाहोगे क्या ऐसे यार, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो यार, मैं तो पी लूँ, मैंने बताया था ना मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदता नहीं हूँ कभी, फ्री की पीते हैं बस, ठीक है। अब आज के अड़े लगाओ, तुमको पीना है, कौन सी चॉकलेट, किस बात की, अच्छा वो जो चेस खेल रहे थे, जीता कौन, वो जीता, तो वो जीता इसका मतलब है कि वो बड़ी वाली चॉकलेट वो मुझे देगा,
उसमें से मैं आधी छोटी वाली तुम्हें दूंगा, यही बात रही ना? ठीक है, अगली क्लास में लाता हूँ। कौन सी खाओगे, मतलब यूएसए वाली खाओगे या स्विट्जरलैंड वाली? चलो अगली बार पक्का एक दो, है ना? उससे वसूली भी करनी याद दिलाना मुझे। चलो अब एस एन टू का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लिखो आप न्यूक्लियोफिसिटी। ये बताओ न्यूक्लियोफिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? एरोमेटिसिटी का मतलब क्या? एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियोफिसिटी, इन सब में कॉमन क्या है? सिटी कॉमन है। वेरी गुड, ठीक है। न्यूक्लियोसिटी का वैसे मतलब होता है सिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ऐसे जनरल बोलते हैं वैसे तो। इसका न्यूक्लियोसिटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, उसके न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिसिटी। तो वहाँ लिखो न्यूक्लियोसिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम बेस किसको बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है ये बताओ भाई। ये डेफिनेशन क्लियर होगी तो हमारे डाउट भी बहुत कम रहेंगे। जैसे OH- है ना, ये एक बेस है ना, और ये OH- जो है एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो बताओ दोनों कैसे करेक्ट है? कब हम कहेंगे OH- इज बेस और अब कब कहेंगे OH- इज न्यूक्लियोफाइल? ध्यान से सोचो, आप बिल्कुल आंसर जानते हो आप, कब OH- बेस है और कब OH- न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रॉन तो दोनों में ही देगा वो, थोड़ा हिंट बताया जाए, इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये इंपॉर्टेंट है। बेस कौन होते हैं? बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन ओनली, यानी अगर उसने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे इस केस में इस एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम कहेंगे ये बेस है ना। और न्यूक्लियोफाइल किसको इलेक्ट्रॉन देता है? न्यूक्लियोफाइल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम अदर देन प्रोटॉन, जैसे ये एस एन टू में समझे आप। तो बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन ओनली, एंड न्यूक्लियोफाइल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम अदर देन प्रोटॉन, ठीक है। अब जरा सेकेंड इसको लिखेंगे अपन, एसिड बेस रिएक्शन हैज लेस इफेक्ट ऑफ स्टरिंग हिंड्रेंस। एसिड बेस रिएक्शन में स्टरिंग हिंड्रेंस का रोल कम होता है। ये बताओ OH- और H2SO4 की क्या रिएक्शन होगी? H2SO4 हमारा एसिड है ना, तो H2SO4 और OH- बेस है वो H+ ले लेगा, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा बताओ? वाटर, और प्लस क्या बनेगा? HSO4-। ये कौन सी रिएक्शन हुई? एसिड बेस। अब यहां मैं कर रहा हूं OH- रिएक्ट विद 3 डिग्री हैलाइड। अगर OH- की रिएक्शन 3 डिग्री हैलाइड से गने तो ये SN2 मैकेनिज्म नहीं कर सकता है ना। ये SN2 क्यों नहीं करता है? स्टरिंग हिंड्रेंस। कौन से डिग्री का कार्बन SN2 फेवर नहीं करता है? 3 डिग्री। ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसमें स्टरिंग हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट है और किसमें स्टरिंग हिंड्रेंस का सिग्निफिकेंस कम है? यहाँ पे स्टरिंग हिंड्रेंस लेस इंपॉर्टेंट या बहुत रेयरली होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में स्टरिंग हिंड्रेंस का रोल आएगा, ऐसा क्यों?
इसमें स्टरिक का रोल कम क्यों आ रहा है? H2SO4 भी तो बड़ा मॉलिक्यूल है। H2SO4 भी तो बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका स्टरिक इंडेंस क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, बोर्ड पे लिखा है उसी से समझ में आ रहा है क्लियर। बेस का रोल क्या होता है? बेस का उसको H+ लेना है, ये रोल होता है ना। और H+ की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? एक मोनोवेलेंट होगा ना, तो जो हाइड्रोजन होगा ना वो उस मॉलिक्यूल के सर्कमफेरेंस पे होगा। तो हमको क्या करना है? इस हाइड्रोजन को पुल करना है। तो सर्कमफेरेंस से पुल कर लेंगे, हम सेंट्रल एटम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सर्कमफेरेंस पे H को पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्टरिक इंडेंस नहीं है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में क्या हो रहा है? हम सेंट्रल एटम पे अटैक कर रहे हैं, तो सेंट्रल एटम पे अटैक करोगे तो क्या होगा? स्टरिक फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे कभी हमने ऐसा डिस्कशन नहीं किया कि एसिड बेस नहीं हो रही है क्योंकि H+ स्टरिकली हिंडर्ड हो गया, समझे आप? तो यहाँ पे स्टरिक फैक्टर नहीं, जब हम न्यूक्लियोफिसिटी डिस्कस करेंगे तो वहाँ स्टरिक फैक्टर भी आएंगे, समझे आप? तो पहला लिखो आप, फर्स्ट बेस की डेफिनेशन लिखो, बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू, एक कॉलम बेस और न्यूक्लियोफाइल बनाओ पहले, एक तरफ लिखो बेस, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल। एक तरफ लिखो बेस, एक तरफ लिखो न्यूक्लियोफाइल, फिर बेस में लिखो बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन ओनली, बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन ओनली। क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं उसके। सेकेंड लिखो न्यूक्लियोफाइल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, किसको देगा? एटम अदर देन प्रोटॉन। न्यूक्लियोफाइल डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम अदर देन प्रोटॉन। लिख लिया सबने? फर्स्ट वाली रिएक्शन लिखो, तक सो देखो यार रिफिल हो रही है ऑटोमेटिक, तुमने इतनी सी दी थी अब इतनी होगी, देखो तक सो अगली बार वो लेके आना ना, एक और आती है ना वो मरिंडा वाली, और नेक्स्ट उसके बाद फिर लेके आना वो जूस आता ना एक यार मैंगो वाला। बाकी लोग जरा लिखो, लाए तो हो नहीं और बातें कर रहे हो इधर उधर की यार। जैसे अपन भगवान के कुछ अर्पण करते हैं ना, वैसे टीचर को डोनेट करना मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है, वापस लौट के चार गुना आता है। सेकंड में क्या लिखोगे? सेकंड में क्या लिखो एसिड बेस रिएक्शन एज लेस इफेक्ट ऑफ स्टरिक हिंड्रेंस। सेकंड लिखो एसिड बेस रिएक्शन एज लेस इफेक्ट ऑफ स्टरिक हिंड्रेंस, एसिड बेस रिएक्शन एज लेस इफेक्ट ऑफ स्टरिक हिंड्रेंस। और राइट वाले में क्या लिखोगे? एसिड बेस रिएक्शन एज लेस इफेक्ट ऑफ स्टरिक हिंड्रेंस, फिर राइट में लिखो स्टरिक हिंड्रेंस कैन इफेक्ट न्यूक्लियोफिसिटी, स्टरिक हिंड्रेंस कैन इफेक्ट न्यूक्लियोफिसिटी, स्टरिक हिंड्रेंस कैन इफेक्ट न्यूक्लियोफिसिटी। लिख लिया सबने? आगे बढ़े, ये नीचे वाला बनाओ जरा। लिख लिया? थर्ड पॉइंट लिखो,
थर्ड आपको ये लिखना है, बेसिसिटी जो होता है ना, बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। और न्यूक्लियोफिसिटी कैसा होता है भाई? न्यूक्लियोफिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। क्या मतलब होता है इसका? काइनेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलेंगे काइनेटिक्स को? गति, स्पीड। काइनेटिक्स होता है गति, मतलब स्पीड, है ना। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब स्पीड, थर्मोडायनेमिक्स मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो जब हम बोलते हैं ना थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, इसका मतलब है कि हमें यह देखना है कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा स्टेबल बना, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। जब हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, इसका क्या मतलब होता है? फास्ट कौन बना, किसके बनने की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। तो जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है ना, अभी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो पूरे इक्विलिब्रियम गिब्स इक्वेशन पढ़ोगे, जब आप काइनेटिक्स पढ़ोगे तो आप सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस पढ़ोगे ज़्यादातर, ये पढ़ोगे ना आप, आरएनएस इक्वेशन पढ़ोगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे। ये काइनेटिक्स है और ये थर्मोडायनेमिक्स है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है ना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल होती है। जो स्टेबल होगा, यहां हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये इक्विलिब्रियम में जब भी हो उससे मतलब नहीं फास्ट कौन बन रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, किसकी एनर्जी कम है, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा। और जब रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, कौन फास्ट बन रहा है, यानी किसके बनने की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सपोज करो ये 10 किलो जूल में बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ये 15 में बन रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ? बी हो गया। सपोज करो इसमें ए बी हमारा एरोमेटिक है और सी नॉन एरोमेटिक है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारी न्यूक्लियोफिसिटी क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल। तो जब अब हम न्यूक्लियोफिसिटी डिस्कस करेंगे तब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन फास्ट अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की स्पीड ज़्यादा है। समझे आप? ठीक है, तो ये लिखो आप, ये दोनों आपके चैप्टर हैं पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में। फर्स्ट वाले में लिखो, बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। फर्स्ट लिखो, बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड एंड न्यूक्लियोफिसिटी में क्या लिखोगे? न्यूक्लियोफिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े तेना, ये न्यूक्लियोफिसिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको अच्छे से समझना है हमको। पहले ये लिख लो, स्टरिक हिंड्रेंस इन न्यूक्लियोफिसिटी। स्टरिक हिंड्रेंस इन न्यूक्लियोफिसिटी, ये बताओ। सपोज करो हमें एक SN2 मैकेनिज्म लिखना है ना, ये H है, ये H है और ये मिथाइल है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहां से गया और यहां से लिविंग ग्रुप गया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने अटैक किया बैक साइड को लिविंग ग्रुप। तो अब आप मुझे बताओ कि जितना न्यूक्लियोफाइल की साइज डिग्री बढ़ती जाएगी उतना बताओ रेट ऑफ SN2 कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा ना। वो अगर जैसे आप अटैक करें ना बैक साइड, तो जैसे इसकी साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टरिक हिंड्रेंस होगा। तो कार्बन की डिग्री बढ़ गई मतलब न्यूक्लियोफिसिटी क्या हो गई? कम हो गई। जैसे हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है टर्सी बीटोक्साइड, है ना। अब मैंने एक मिथाइल हटा के एक कार्बन लगा दिया, ये बना लिया आइसोप्रोपोक्साइड। फिर मैंने एक कार्बन और हटाया और बनाया इथोक्साइड,
इन तीनों में बताओ न्यूक्लियर सिटी का ऑर्डर क्या होगा। यहां से यहां जाने में न्यूक्लियर सिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साइज कम हो रहा है। तो जैसे ही कार्बन की डिग्री बढ़ने लगेगी ना, वैसे वैसे न्यूक्लियर सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चाहे वो नेगेटिव मॉलिक्यूल हो चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। 3 डिग्री अल्कोहल, यह है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, यह है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। इन तीनों में बताओ न्यूक्लियर सिटी का ऑर्डर क्या है? यानी लेफ्ट से राइट जाने में न्यूक्लियर सिटी बढ़ रही है, बताओ कम हो रही है? बढ़ रही है। तो लिखो मोर द डिग्री ऑफ कार्बन लेस इज द न्यूक्लियर सिटी। मोर द डिग्री ऑफ कार्बन लेस इज द न्यूक्लियर सिटी। मोर द डिग्री ऑफ कार्बन लेस इज द न्यूक्लियोफिसिटी। मोर द डिग्री ऑफ कार्बन लेस इज द न्यूक्लियोफिसिटी। यानी एक 3 डिग्री अल्कोहल हो, एक 2 डिग्री अल्कोहल हो और एक 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। नोट कर लिया सबने? आप तो लिख लिया होगा, लिख लिया। इस पे ना एक दो एग्जांपल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनके प्रोडक्ट निकालो आप। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। पहले आपको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करना है, उससे A बनेगा, और फिर आपको इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करना है, उससे B बनेगा। इनके बनाओ ए और बी प्रोडक्ट।
ट्राई कर लिया सबने। लेक्चर पूरा करने के बाद कमेंट में लिखा करो डन। मैंने कहा था ना, तूने लिखा था सेट डन, एक बार लिखा था सेट डन 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 लिखना है, एक बार में एक ही लिखना है। क्या भाई लिख लिया सबने? चलो पहले वाले में आंसर क्या आएगा समझ में आया? बताओ हम अटैक किसका करेंगे, लेफ्ट वाले न्यूक्लियोफाइल का या राइट वाले का? राइट वाले का। लेस्ट हरिकली हिंडर्ड का करेंगे ना हम लोग, इसका करेंगे है ना, और फिर जो बच गया उसका अटैक करेंगे। तो इससे हमारे पास इथाइल किधर लगेगा? लेफ्ट में। और मिथाइल कहाँ लगेगा बताओ? राइट में। यही बनेगा ना। आप सेकंड में बताओ पहले अटैक कौन करेगा? भाई दोनों ही ऑक्साइड है, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम है। ऊपर वाले कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री। इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। तो बताओ बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? 2 डिग्री हुआ ना हमारा, समझे आप? यानी जो अटैक कर रहा है ना उसके एडजेसेंट की डिग्री क्या है वो इंपॉर्टेंट है। उसकी डिग्री बढ़ गई, न्यूक्लियोसिटी कम हो गई, तो ओ माइनस का अटैक होगा मिथाइल पे और ऊपर वाले का ओ का अटैक होगा इथाइल पे। ये बन गया ओ ई टी, ये बन गया ओ एम ई, समझे आप? जब एक ही न्यूक्लियोफाइल होगा तो वही अटैक करेगा सिर्फ, है ना। जो न्यूक्लियोफाइल अगर एक ही है तो उसी पर अटैक होगा। दूसरा हम जिस पर अटैक कर रहे हैं ये कौन सा मैकेनिज्म कर रहे हैं? हम SN2 कर रहे हैं ना, और इस कार्बन की डिग्री क्या है? इसकी तो 1 डिग्री है ना, तो SN2 हो गई उस पर। अगर ये कार्बन 3 डिग्री हो गया तब रिएक्शन नहीं करेंगे, समझे आप? हैलाइड की डिग्री 3 डिग्री होगी तब नहीं होगा, ऑक्साइड की डिग्री 3 डिग्री तो वो तो अटैक कर सकता है। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट लिखो। देखो आप जो न्यूक्लियोसिटी अपन पढ़ेंगे ना उसमें देखो एक चीज समझो, न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक किस पे करना है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल पे करना है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसको अपने इलेक्ट्रॉन इस वेकेंट ऑर्बिटल को देने है ना। अब आप बताओ कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए जो OH- को अटैक नहीं करने दे, तो बताओ उससे इसकी न्यूक्लियोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी ना। हम ऐसे समझ लें कि भाई इन दोनों को मिलना है और बीच में ये बहुत सारे लोग आ गए, तो इनकी मुलाकात इजीली होगी या नहीं होगी ये बताओ? नहीं होगी ना। इनको मिलने के लिए क्या करना होगा? पहले इनको हटाना पड़ेगा ना भाई। तुम है ना जरा दिमाग दूसरी जगह लगा रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के मिलने की बात हो रही है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों की मुलाकात अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब सपोज करो ये जो बीच वाले लोग हैं ना, ये इसको पकड़ ले, क्या तो एक नहीं जाना भाई, जाने नहीं देंगे, जान नहीं देंगे, जान नहीं देंगे, तो इससे इसके न्यूक्लियोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? और बढ़ेगी या और कम हो जाएगी? और कम हो जाएगी। तो बताओ ऐसा क्या एक्स होना चाहिए कि वो इसकी न्यूक्लियोसिटी को कम कर दे? कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक या अप्रोटिक? तो वाटर होगा तो इसकी न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बताओ इसका जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा उतना न्यूक्लियोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होती जाएगी, है ना। तो मैं ये लिख दूं कि सॉल्वेशन एनर्जी या इन केस ऑफ वाटर हाइड्रेशन एनर्जी और न्यूक्लियोसिटी में बताओ क्या रिलेशन है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोसिटी। जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा इसको एक और तरीके समझो, देखो सपोज करो ये रिएक्शन हो रही है, ऐसे SN2 हो रहा है, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये OH- जो है इसका रिएक्शन हैलाइड से करना है हमको,
ओ का अटैक होगा, सी एल निकल जाएगा, एस एन टू ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, ठीक है। अब हमने ऐसा कुछ किया कि इस ओ एच माइनस को स्टेबल कर दिया, तो अभी तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसको एस एन टू करने के लिए। अगर हमने ओ एच माइनस को स्टेबल कर दिया, मतलब ये वाली एनर्जी नीचे आ गई, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई ना। तो जितना ज़्यादा अपन इसको स्टेबलाइज करेंगे ना, जितना ज़्यादा इसको सॉल्वेट करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, उतनी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी रिएक्शन की, समझे आप। और एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में समझेंगे कैसे, समझेंगे कि पहले भाई इसको हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, है ना, बीच से हटाने पड़ेंगे, फिर वो जाएगा बीच में, फिर जाके अटैक करेगा इसे। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्वेशन हुआ, उतनी उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। तो ये लिखो आप, अब हेडिंग लगाओ वहाँ पे, न्यूक्लियोसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लिखो न्यूक्लियोसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब मैं आपको पोलर प्रोटिक के केसेस बता रहा हूँ, न्यूक्लियोसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्वांटिटी काफी कम थी यार, चक्सो इस पे लिखा है 250 ml पे 150 ml फ्री, तो फ्री वाली किधर है, अच्छा ये फ्री वाली है, तो ओरिजिनल वाली किधर है, वो भी इसी में, अच्छा 400 कर लिया, अच्छा इसमें तो लिखा है कंटेन कैफीन, कैफीन भी है क्या इसमें, शुगर लिखा है 11 ग्राम, कार्ब्स 11, प्रोटीन शानदार 0, लिख लिया भाई सबने, तो हम ये समझ गया ना भाई कि इन दोनों को मिलवाना है हमको, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को, बस जो बीच में आएगा तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी, और क्या, बस कौन से सॉल्वेंट में हम न्यूक्लियोसिटी डिस्कस कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक। आगे बढ़े, ये बढ़िया से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ड्रॉ किए, बीच में दिखाया कि भाई कुछ लोग आ गए हैं, यानी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम। अब वहाँ लिखो केस वन, ये लिख लिया ना, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोसिटी। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है न्यूक्लियोसिटी में, पॉला ब्रूस ने बहुत अच्छे से समझाया इसको, लिखो न्यूक्लियोसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पहला लिखो केस वन। एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है, तो बताओ कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव इज ऑलवेज बेटर देन कॉन्जुगेट न्यूट्रल। आप इसको कितना भी सॉल्वेट करोगे, नेगेटिव का पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो नेगेटिव ना, तो नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन कॉन्जुगेट न्यूट्रल। ऐसे ही बताओ कि आर ओ माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बताओ आर ओ एच, आर ओ माइनस। ऐसे बताओ एस एच माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बताओ एस टू एस, एस एच माइनस। तो पहला केस लिखो, नेगेटिव चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल, पहला लिखो आप, नेगेटिव चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल।
नेगेटिव चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कॉन्जुगेट न्यूट्रल है, हम ऐसे कंपेयर करना मुश्किल है कि ओ एच माइनस एमोनिया, ऐसे नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट ऑलवेज वैलिड है फॉर कॉन्जुगेट न्यूट्रल। तीनों लिखो जरा, आगे बढ़े। सेकंड केस लिखो, सपोज करो ये न्यूक्लियोफिलिक एटम मैंने ये ले लिया, न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग टू सेम पीरियड CH3- NH2- OH- एंड F-, इन चारों में बताओ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, किसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, F- की। अगर इसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है तो इसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसकी न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर क्या होगा, C-N-O-F-, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F-, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, अगर मैं ये बोलूँ आपको, ये तो मैंने न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर दे दिया आपको, अगर मैं पूछूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ये न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे, मीथेन एमोनिया वाटर एंड HF, इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, बोलो। ये लेफ्ट से राइट जाने में बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इसका मतलब HF स्ट्रांग एसिड हुआ इनमें से, इसका मतलब F माइनस बेस कैसा हुआ, वीक बेस, और बताओ C माइनस बेस कैसा हुआ, स्ट्रांग बेस। तो बताओ स्ट्रांग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रांग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेटमेंट कब दे सकते हैं, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम और न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग टू सेम पीरियड, तब ये स्टेटमेंट लगेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ कि RO- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या फिनोक्साइड आयन अच्छा है, इन दोनों में से बेटर कौन है, आर ओ माइनस से, कैसे, ये फिनोक्साइड तो डी लोकलाइज हो रहा है ना, तो डी लोकलाइज हो रहा है इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोसिटी कम हो गई। अब आप ये बताओ इन दोनों में से अच्छा बेस कौन है, फिनॉल और एल्कोहल में स्ट्रांग एसिड कौन है, फिनॉल, फिनॉल स्ट्रांग एसिड होगा ना, तो फिनॉल स्ट्रांग एसिड है, मतलब ये बेस कैसा हुआ, वीक बेस, ये बेस कैसा हुआ, स्ट्रांग बेस। अब बताओ स्ट्रांग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, ऐसा हम कब कह सकते हैं, ऐसा कब कह सकते हैं, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम और न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग टू सेम पीरियड। ये बात समझे आप, वैसे कोई जरूरत नहीं है बेस और न्यूक्लियोफाइल को रिलेट करने की, मैंने खाली रिलेट किया है, अदरवाइज मैं आपको सिंपल न्यूक्लियोसिटी पूछूंगा, इसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, न्यूक्लियोसिटी हो गई कम, ठीक है। अब एक केस और बताता हूँ, देखो ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, अगर हम केस फोर लें, केस थ्री, अब मैंने क्या किया आपको ये पूछा है केस थर्ड में, जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल है F- Cl- Br- एंड I-, इन चारों में न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग टू सेम ग्रुप में आ गए ना हम लोग, तो ग्रुप में जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना वैसे वैसे न्यूक्लियोसिटी बढ़ जाएगी, यानी इसमें न्यूक्लियोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब आप एक्सप्लेन करो कि साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस, ये बताओ कैसे, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, F- की, तो उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, सबसे कम। अच्छा I- को एक और तरीके समझ सकते हैं, I- इज बिगर साइज, तो बिगर साइज का मतलब है कि इसका सॉल्वेशन भी कम होगा, है ना। एक और चीज है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा ना तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, तो बताओ आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, आई माइनस के इलेक्ट्रॉन का या एफ माइनस के, एफ माइनस का ज्यादा होगा ना, आई माइनस का कम होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, आईपी वैल्यू भी कम है। और तीसरा, इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है ना तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे,
ये क्लाउड डिस्टॉर्ट होके इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसे डिस्टॉर्शन होता है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ऐसे क्लाउड बन के ऐसे जाती है। तो बताओ कौन इजिली पोलराइज होगा, आई माइनस इजिली पोलराइज होगा या एफ माइनस? आई माइनस, फजान रूल है ना, आई माइनस इजिली पोलराइज हो जाएगा उसका, समझे आप? तो जितने साइज बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ती जाएगी। तो बताओ आर एस माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बताओ आर ओ माइनस? आर एस माइनस बिगर साइज इज बेटर। ऐसे ही बताओ फॉस्फोरस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बताओ नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? फॉस्फोरस। ये ऐसा अपन साइज कब देखेंगे? ग्रुप में। और अपन वो बेसिक स्ट्रेंथ कब देख सकते हैं? सेम पीरियड में। अच्छा इसमें बोल सकते हैं क्या स्ट्रॉन्ग बेस और गुड न्यूक्लियोफाइल? अगर हम बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो बताओ एच एफ एस सी एल एच बी आर एच आई, इन चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है बताओ? एच आई आएगा ना पहले, एच आई एच बी आर एस सी एल एच एफ। एच आई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो आई माइनस बेस कैसा है? वीक बेस है। तो हम वो कब कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल? जब अपन न्यूक्लियोफिलिक एटम कैसा होना चाहिए, सेम पीरियड में, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होना चाहिए। सेम से मतलब क्या है? जो डोनर एटम है ना सेम, मतलब ये भी ऑक्सीजन दे रहा है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सल्फर सल्फर, कार्बन कार्बन, तब हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, समझे आप? तो ये सेकेंड केस लिखो, सेकेंड केस में लिखो व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग टू सेम पीरियड और न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम। न्यूक्लियोफिलिक एटम बिलोंग टू सेम पीरियड और न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, देन स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, यानी अगर मैं बोलूं कि H प्लस से इनमें से फास्ट रिएक्ट कौन करेगा तो आंसर क्या है? सी एस थ्री माइनस। एस एन टू फास्ट कौन करेगा? सी एस थ्री माइनस। बेस भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा, वैसे बेस की जरूरत नहीं है, मेन वो कॉन्सेप्ट है जिसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ उसकी न्यूक्लियोसिटी कम हो गई। थोड़ा फास्ट लिखो, खाना खाने का टाइम हो रहा होगा तुम्हारा, सुबह से भूख लग रही होगी। सिंघाना जी दिखाई नहीं दिया आज, आज क्या बार है? मंगलवार, मंगलवार को नहीं आता ना, वो वीकेंड में आते हैं। अच्छा खाना खाने चले गए होंगे। अच्छा यार हल्का हल्का पेट में अजीब सा लग रहा है यार, तेरा तुम ऐसे एक बार उस साइड में ऐसा करके एक बार ऐसे कर देना, एक बार मेरे को लगता नज़र लगी इसकी। आगे बढ़े भाई, सौरभ हमारे ननियाल में है ना, मई जून में हम गांव में रहते थे, ननियाल समझ गए, नानी का घर, छोटा सा गांव है, 200-250 घर है, एकदम हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है। तो आज है ना मैं सूर्य भगवान को जल दे रहा था, मैं रोज़ है ना सूर्य भगवान को जल चढ़ाता हूँ, वो मतलब मेरे राशि के अकॉर्डिंग सूर्य भगवान मेरे वो हैं, है ना। तो मैं सूर्य भगवान को ऐसे ही जल चढ़ाने गया ना, 10:30 बजे की बात होगी, एकदम से पाँव रखे तो तेज़ धूप आ रही थी बालकनी में से, पाँव हल्के जलने लगे। तो मेरे को याद आया यार, वो बचपन में जब हम ननियाल में खेलते थे ना तो क्या होता था, मतलब जैसे चप्पल पहन के तो 2-3 बच्चे आते थे, बिना चप्पल वाले 8-10 होते थे, फिर जो पहले जाता वो लेके चला जाता था,
तो कई बार ऐसा होता था कि यहाँ से 200 मीटर है ना बिना चप्पल जाना है और गर्मी हो रही है तेज, तो पता है कैसे जाते थे कि देखते थे यार यहाँ के बाद नेक्स्ट छाया किधर है, तो दौड़ते उस छाया पे जाते थे, फिर नेक्स्ट छाया वहाँ ऐसा करते थे। तो मेरे को याद आया यार, मतलब अपन वैसे मुझे तुरंत तुम्हारी याद आई उस समय, मैं तुम तो यार शानदार एकदम एसी में बढ़िया एकदम शानदार जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे अपन। अरे भाई केस टू लिख लिया, अब लिखो केस थ्री। केस थ्री में क्या लिखोगे, इन ग्रुप साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस, इन ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, इन ग्रुप साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियोसिटी बढ़ती जाएगी, साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस। समझ गया? तो ये एग्जांपल बनाओ, ऐसे साइज दिखाओ, फिर वो बताओ कि आई माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसका हाइड्रेशन भी कम हुआ, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम है, पोलराइज भी इजीली हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी तुमको कि कार्बन की डिग्री बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियोसिटी कम हो जाएगी, कहा था स्टरिंग हिंड्रेंस से न्यूक्लियोसिटी कम हो जाती है, तो वो वाला पॉइंट यानी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? वो सिर्फ मैंने एक न्यूक्लियोफाइल के सराउंडिंग एटम्स की बात की थी, अगर एक ही एटम हो ना, ये एक ही एटम डोनर है तो उसकी हाइड्रेशन देखना पड़ेगा हमको, उसकी सॉल्वेशन देखनी पड़ेगी। उसमें तो क्या था कि जैसे न्यूक्लियोफाइल हमारा O- है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसमें तो पड़ोस में जो है ना ये स्टरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं, तो ये जितने बड़े होते जाएंगे उतना हमारी न्यूक्लियोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वेरिएबल है, पहले इसका हाइड्रेशन क्या हुआ सॉल्वेशन क्या हुआ वो देखना पड़ेगा ना, समझे आप? तो लिखा आपने साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियोसिटी इंक्रीजेस, ये तीनों एग्जांपल लिखो। ये भी देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन सेम ग्रुप में है ना, एस माइनस बेटर देन ओ माइनस, पी इज बेटर देन एन, ऐसे ही अगर मैं आपको सेलेनियम का पूछ लूं तो सेलेनियम और सल्फर में बताओ अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सेलेनियम बड़ा है तो बेहतर है, एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रुप। मिटा दे भाई, थोड़ा अजीब सा हो गया यार, क्या भाई लिख लिया सबने? अब लास्ट लिखो, आगे बढ़े, अब लिखो केस फोर। ये बताओ हाइड्रोजीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बताओ एमोनिया अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? लास्ट लिखो आप अल्फा इफेक्ट, उसमें लिखो हाइड्रोजीन और एमोनिया में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? पहले देखो दोनों में डिफरेंस क्या है और उनका रोल क्या है, ये भी देखो। इसमें एमोनिया को इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को, ये करना है ना, इसमें इन दोनों में से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा एटम देगा? कोई भी दे सकता है, ये लोन पे या लोन पे, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कर रहा है ना ये, तो इस लोन पेयर की वजह से इसकी न्यूक्लियोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है और हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये ना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल पे, ये कहता ना हमने, और हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल को अगर अपन घेर ले सॉल्वेट कर दें बढ़िया से तो इसकी न्यूक्लियोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा था, कम हो जाएगी, यानी उसको, और अगर अपन हाइड्रेट करें मतलब ऐसे समझें कि सॉल्वेंट ने न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लिया ऐसे है ना, तो वो अटैक ही नहीं करेगा, मतलब वो कहेगा मैं जा रहा हूँ अटैक करने, सॉल्वेंट कहेगा नहीं रहने दो यार यहीं रहो, ऐसे पकड़ के रखेगा।
अब मान लो सॉल्वेंट या एडजेसेंट एटम ऐसा हो जो उसको धक्का दे न्यूक्लियोफाइल को, पुश करे, तो उस केस में इसकी न्यूक्लियोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी ना। अब बताओ इसका आंसर क्या है? यानी ये अगर लोन पेयर इस लोन पेयर से रिपेल करेगा ना, तो ये रिपेल कर रहा है, मतलब इसकी न्यूक्लियोसिटी पे क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल ये अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसकी न्यूक्लियोसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ऐसे समझें जैसे ये NH2 है ना, इसके सराउंडिंग में कार्बो कैटायन लगा दिया हमने, तो अब बताओ ये कैटायन इसकी न्यूक्लियोसिटी बढ़ा रहा है कम कर रहा है? ये कम कर रहा है। ये कम क्यों कर रहा है? वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो अब आपको समझ में आएगी हाइड्रोजन जो है ये इसकी न्यूक्लियोसिटी बढ़ रही है, यानी न्यूक्लियोफाइल के एडजस्टन पे अगर लोन पेयर हो तो उसकी न्यूक्लियोसिटी बढ़ जाती है ना। जैसे H2O2 बेटर है या H2O बेटर है, बोलो। हाँ, H2O2 इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। इसके MOT से भी एक्सप्लेनेशन है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेन होता है ये, लेकिन वैसे सिंपल भी समझ में आता है। तो न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम इज बेटर, न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। ऐसा लग रहा है घर के अंदर के ही किसी आदमी ने धक्का दे दिया उसको, सॉल्वेंट तो बाहर के लोग हैं ना। न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम इज बेटर, दोनों एग्जाम्पल लिखो। इसको बोलता है अल्फा इफेक्ट। ये दो ही एग्जाम्पल याद रखने बस। एक मैं ना वॉरेन बुक का एक पेज शेयर करूंगा आज, इसको MOT से एक्सप्लेन किया है, उसको देखना आप, जस्ट देखना और नोट्स में लिख लेना। वैसे अपन किसी बुक का ऐसे पेज स्क्रीन पे दिखाएं रिकॉर्ड हो रहा हो तो कॉपीराइट थोड़ी है। वो कॉपीराइट तो वो होता है कि मैं उसको कॉमर्शियल यूज़ करूं, तो ये कॉमर्शियल यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे यार किसी की बुक का अपन दिखा नहीं सकते कोई कॉपी। अच्छा, नीचे कैड दे दें उसको। हाँ यार, ये सही है, कहाँ से सोर्स लिया है वो कैड लिख दें उस पर, ठीक है। कि बुक के पेज दिखाएंगे तो लर्निंग और अच्छी हो सकती है। क्या भाई लिख लिया सबने? अब लास्ट लिखो। ये हमने सारा डिस्कशन कौन से सॉल्वेंट में किया? पोलर प्रोटिक। अब लास्ट लिखो, लिखो न्यूक्लियोसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लिखो न्यूक्लियोसिटी इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। चक्षु ले लो यार वापस, यार मजा ही नहीं आ रहा पानी डालने के बाद। अगली बार इस ये लो, इसको ओरिजिनल दूसरे से भर के लाना। चलो हिसाब बराबर हो गया, चक्सु लिख लिया सबने। अब लास्ट लिखो अप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा ये बताओ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जैसे ये हमारा DMSO है, DMSO बताओ पोलर प्रोटिक है या बताओ पोलर अप्रोटिक है? पोलर अप्रोटिक है ना, ठीक है। इसमें हमारा जो सल्फर है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव स्टेरिकली हिंडर्ड है एंड नेगेटिव इज एक्सपोज्ड, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि F-Cl-Br-I- इन चारों में न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर क्या होगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, क्राउन इथर याद है आपको? वो कैसा था पोलर अप्रोटिक? वो कैटायन को तो सॉल्वेट करता था, और एनायन को क्या करता था? एनायन में तो इथर के ऑक्सीजन के लोन पेयर और एनायन रिपेल करते थे ना। तो अब बताओ इसमें क्या होगा? इन चारों में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है या रिपल्सिव ज्यादा है। भाई ये नेगेटिव चार्ज एक्सपोज्ड है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है।
आंसर क्या है तुम्हारा? आंसर क्या है? ये सॉल्वेंट का नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब अपन ऐसे समझेंगे वो उसको धक्का दे रहे हैं ऐसे, है ना। और पहले वाटर तो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, न्यूक्लियोसिटी कम कर रहा था। तो अब बताओ कि सबसे अच्छी न्यूक्लियोसिटी किसकी होगी, जिसको सबसे बढ़िया धक्का लगेगा, ये होगा ना, ठीक है। सबसे अच्छा वाला धक्का किसको लगेगा? उसको लगेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। हम ये कहेंगे कि मोर चार्ज डेंसिटी, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी ना, उतना हम कहेंगे मोर रिपल्सन, और मोर रिपल्सन मतलब मोर न्यूक्लियोफिसिटी। ये समझे आप? तो F माइनस जो है ना वो इससे रिपेल कर रहा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो रिपल्सन ज़्यादा, तो इसका मतलब F माइनस इज बेटर देन Cl, बेटर देन Br, बेटर देन I। जिसकी जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा रिपल्सन, उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिसिटी। अब आप मुझे बताओ कि पोलर अप्रोटिंग में OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बताओ CH3 माइनस, इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसके रिपल्सन ज़्यादा होंगे, OH माइनस नेगेटिव के साथ लोन पेयर भी देना है इसके पास, तो OH माइनस इज बेटर देन CH3 माइनस। ये किस में होगा? पोलर अप्रोटिंग, पैप्स मतलब पोलर अप्रोटिंग। अगर मैं ये पूछूं कि OH माइनस और CH3 माइनस में न्यूक्लियोसिटी बताओ इन पीप्स, पीप्स मतलब पोलर प्रोटिंग, अब बताओ इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अब आपने उल्टा क्यों कर दिया? क्योंकि यहां क्या देखेंगे, हाइड्रेशन, इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी? कम होगी। यहां इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मोर रिपल्सन मोर न्यूक्लियोसिटी। तो अप्रोटिंग में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, मोर रिपल्सन मोर न्यूक्लियोसिटी, और किसका रिपल्सन ज्यादा? जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। समझे आप? तो अब आपको ये चीज भी समझ में आई होगी कि SN2 रिएक्शन फास्ट किसमें ज्यादा होगी, पोलर प्रोटिंग में ज्यादा फास्ट होगी या पोलर अप्रोटिंग में? पोलर अप्रोटिंग में SN2 में तो रेट प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोसिटी है ना इसके, तो अप्रोटिंग में SN2 की रेट बढ़ जाएगी। SN2 का रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू हैलाइड एंड प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोसिटी पे इफेक्ट आ रहा है ना उसका। इसको ऐसे समझो कि यू ऑल आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तुम सब क्या हो? सॉल्वेंट। मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं बीच में खड़ा हूँ, तुमने घेर लिया मुझे, इलेक्ट्रोफाइल ये बोर्ड है, तो मैं अटैक करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे सॉल्वेंट करोगे ना अच्छे से, आप पकड़ लोगे ना अच्छे से, सर कोर्स तो करवा दो फिर टकरा जाना कोई बात नहीं, है ना। तो अपन क्या आएगी, न्यूक्लियोसिटी मेरी कम रहेगी ना, क्योंकि आप मुझे अच्छे से सॉल्वेंट कर लोगे। और कुछ लोग तो मौका देके, हो सकता है अंगूठी वगैरह भी देख लें कैसा क्या है, ठीक है, जनरल टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसिटी कम हो गई। अब सेकंड केस लो, मैं न्यूक्लियोफाइल, तुम सब क्या हो? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या? कि तुम्हारे और मेरे से बनती नहीं है अच्छी अपनी, तो तुम क्या करोगे? मुझे धक्का दोगे। सबने पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पाँव पकड़े, ऐसे झुला के फेंकते ना अपन, फिर आपने ऐसे झुलाया और जोर से स्क्रीन की तरफ फेंका, तो क्या होगा बताओ? देखो, स्क्रीन टूटा या मैं टूटा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो प्रोडक्ट तो देखना ही नहीं है, तो मेरी स्पीड ऑफ अटैक ज़्यादा किस में होगी? पोलर अप्रोटिंग में होगी। समझो, अप्रोटिंग में सॉल्वेंट मिल के उसको धक्का देते हैं एकदम, और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं उसको देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है मतलब उतना सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। ये लिख लिया तीनों, तो तुमको न्यूक्लियोसिटी पूरी समझ में आ गई है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस वो करनी है अगली क्लास में, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे फिर SN1 करेंगे। What?